₹1000 का नोट जमा कराने की डेडलाइन 30 सितंबर 2023 को खत्म हो रही है। भारतीय रिजर्व बैंक ने 19 मई 2023 को 2000 के नोट वापस लेने का ऐलान किया था। लोगों को इन्हें बदलने या बैंकों में जमा करने के लिए 30 सितंबर तक का समय दिया गया था। अब ये समय सीमा 4 दिनों में खत्म होने वाली है। इन नोटों को बैंक में जमा करने की तारीख आगे नहीं बढ़ाई जाएगी, इसलिए अगर आपके पास भी 2000 के नोट हैं तो इन 4 दिनों के अंदर बैंक जाकर बदलवा लेना बेहतर होगा। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर क्यों RBI 2000 के नोट वापस ले रही है, चलिए हम आपको बताते हैं। RBI के मुताबिक 2000 के ज्यादातर नोट उपयोग में नहीं है, इसलिए RBI 2000 के नोट वापस ले रही है। RBI का कहना है कि जिस मकसद से इसे लाया गया था वो पूरा हो चुका है, अब 30 सितंबर के बाद ये चलन में नहीं रहेंगे। अब आप सोच रहे होंगे कि यदि 30 सितंबर तक नोट नहीं बदल पाए तो आपके पास जो 2000 के नोट रखे हैं क्या वो बर्बाद हो जाएंगे, तो चलिए इसके बारे में भी हम आपको बताते हैं। यदि आप 30 सितंबर तक 2000 के नोट नहीं बदल पाए तो घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि 30 सितंबर के बाद भी आपके 2000 के नोट वैध रहेंगे, लेकिन दिक्कत ये रहेगी कि आप इसे इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। 30 सितंबर के बाद आप केवल RBI के साथ ही 2000 के नोट बदल सकते हैं। साथ ही आपको RBI को बताना भी होगा कि आपने 2000 के नोट को 30 सितंबर से पहले क्यों नहीं बदला।